हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं मीम स्टार चैनल से हरामी हो पेटा एपिसोड 14 डैंगल्स एंड मीम्स ट्रेंडिंग मीम्स इंडियन मीम्स कंपाइलेशन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। Assalamu alaikum brothers and sisters, this is your pilot Muhammad Ali Abdullah Ibrahim. We just want to thank you for flying Southwest. This is your last flight. Last flight? All other flights are grounded after this one for the night. We do have bombs on the plane. Huh? Bombs Burgers is sponsoring the flight, so please enjoy a burger on us. Once we get in California, there'll be another 9/11. Huh? Maybe 12% chance of rain, so please fasten your seatbelts and get ready. Bhai dara raha har baat mein. Meri biwi hona, ye khudrat ke khilaf baat kar raha tu. Ye jo baat ho rahe na tere, ye khudrat ke khilaf hai ye. Ab African bol raha, mere ko gori hona. Kahan se lata be hole? खुदरती निजाम है। अमेरिका वालों को गोरापन दे दिए, अफ्रीका वालों को सियापन दे दिए, इंडियन को सोलापन दे दिए। नहीं, अपन सोले लोग हैं। जो भी मिली गॉड गिफ्ट घर में रख लेना इज्जत से। डेढ़ हुशारी नहीं करना गोरी की चक्कर में बेटा। 29 के हो जा रहे हैं, 35 के हो जा रहे हैं, शादी नहीं हो रही नालायक होंगी। चलो ये भी मसला। बीबी। यस माय जान। नाउ दैट वी हैव डन इट, मूवी देखिए। ओके ओके, तो तू बोल देता है पर तू कभी पूरी मूवी नहीं देखता, हमेशा मूवी के बीच में सो जाता है। इस बार ही पक्का नहीं सोऊंगा। प्रॉमिस? यस। क्योंकि मैं जान सच्ची बोली, अगर इस बार तुम सो गए ना, मैं सच्ची मार दूंगी तुम्हें। मैं बात नहीं करूंगी, मैं सच्ची आई विल किल यू। आई प्रॉमिस इस बार ऐसे कुछ नहीं होगा। भूल भुलैया देखिए। ओके डन, आई लव यू। बेबी लाइट्स तो बंद कर दे। ओके डन बेबी। खराटे ले रहा तुम्हारा बेबी। बोला तो मैंने नहीं सुना, बोला था मैंने नहीं सुनो, बोला तो मैंने नहीं। एक मूवी के लिए नहीं सोना मतलब सोने की वजह से मार दिया। आयु सर मैं तुम ही है। हाँ हाँ मैं कहा है? प्रिया को जानता है? वीडियो क्या कर रहा है? प्रिया को जानता है तुम? कौन प्रिया? चास वाली प्रिया। हाँ वो तो मेरे बहुत अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है मेरा। तुम कौन है? हम उसका बॉयफ्रेंड। बड़ी वाला उसको भड़काता है, तेरा पटक में ना अंडा केड़े डाल देंगे सुबह ना चूर लोग में फिंचल। ओ नो नो आई डोंट इंटरफेयर। ओके ओके लाइक दिस। या लाइक दिस। एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टी लेट जा, आ रहा हूँ। नॉर्मल रील है, ठीक है। तुझको मेरे गाओ गाओ पूरी कोशिश कर रहा गा नहीं पा रहा। फिर की फिर की जब बैकबेंचर कहानी लिखता है तो क्या होता है? लेखक के अभिन्न मित्र श्यामला कांत जी सीधे साधे परिश्रमी ईमानदार व्यक्ति हैं। ईमानदार परंतु इतना नहीं लूटा होगा बहन के लोड़े जितना प्राइवेट कॉलेज वाले एक बच्चे को लूट लेते हैं। बहनचो इनका पास चले तो एडमिशन के टाइम पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले बहन के लोड़े। और बहनचो इनकी बातें इतनी मीठी और दिल अफ्रीका लंड से भी कहा। मैं प्राइवेट कॉलेज से हूँ, जब मेरा एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में हो रहा था, इन बहन के लोड़ों ने मेरे बाप को बोला कि हम आपके बच्चे को बस प्रोवाइड करवाएंगे। मेरा बाप एकदम खुश बत्ती से दिखा के, फिर उन्होंने बोला कि 1 लाख रुपीज फॉर 6 मंथ। भाई साहब सेकंड नहीं लगे मेरे बाप के तोते उड़ने में,
मेरे पापा को बोलते आप घबराइए मत, पिक एंड ड्रॉप आपके घर के बाहर से ही होगा। मैं जो पैसे लेने के बाद बोलते कि गाड़ी तुम्हारी गली में नहीं आएगी, उधर ट्रैफिक जाम लग जाता है, टायर फंस जाता है उधर, ड्राइवर मना कर रहा है कि हमारा रूट है ही नहीं। आज तक मैं कॉलेज की गाड़ी से कभी कॉलेज नहीं गया। बहनचो मैं ई रिक्शा लिफ्ट मांग मांग के तो कॉलेज पहुंचता था। बहनचो वहां जाने को कोई तैयार भी नहीं होता था, ऐसे बंजर इलाके में था वो कॉलेज। और शाम 6 बजे के बाद उधर गंड मारे घूमते थे बहनचो, जो चक्कू दिखा के गांड ले लेते हैं। कितनी बार तो मेरी गांड बची है। 12वीं के बाद मैंने अपने पापा को बोला था कि मेरा एडमिशन MIT यूनिवर्सिटी में करवा दो। वो बोले बेटे पूरे खानदान की जमीन बेच दी ना, फिर भी 10-15 लाख रुपए कम पड़ेंगे। हाँ। बात तो सही है, वहाँ वो बच्चे जाते हैं जो घर पे गुची की बेल्ट से मार खाते हैं, वो जाते हैं कॉलेज चिल करने के लिए। एग्जैक्टली, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इवन कोई सा भी प्राइवेट बिल्डिंग आप ले लो, ठीक है, कोई सा भी प्राइवेट जो चीज़ें हैं, ठीक है, हर एक चीज़ को आप ले लो, भाई साहब इतनी महंगी है, कसम से अपने बाप दादा की आखिरी निशानी तक बेच दोगे ना, तब भी कोई मिडिल क्लास बंदा उसके बच्चे वहाँ पर सुकून से नहीं पढ़ सकते हैं ना। हर महीने कुछ ना कुछ बोलकर फीस ले लेते हैं ये, मतलब ट्यूशन फीस तो अलग ही रहती है इनकी, ये यूनिट टेस्ट के हैं, ये फलाना टेस्ट के हैं, ये एग्ज़ाम के हैं, ये एक्टिविटी के हैं, ये इस एक्टिविटी के, ये उस एक्टिविटी के, ये और कराते घंटा कुछ नहीं है। बच्चे से पूछ लो तो वो आए कर रहा होता है, बच्चे से कुछ भी पूछ लो, ठीक है, कि हाँ इस एक्टिविटी में बेटा तुमने क्या सीखा, वो ऐसे मतलब बिहेव करता है। सीरियसली यार, क्या सिखाते हो बच्चों को, है डांस के नाम पे तुम्हें एक ही स्टेप, वही एक पैर रख के उछलते रहना है, एक ही स्टेप सिखा देते हैं। भाई यहाँ बिजनौर में भी 2-3 जो मतलब हाई क्लास प्राइवेट स्कूल्स हैं, ठीक है, उनके कॉलेज फंक्शन में चले जाओ, एनुअल फंक्शन में कभी चले जाओ तुम, ठीक है, सारे डांस तुम्हें एक ही जैसे कोरियोग्राफ लगेंगे, एक ही जैसे, ठीक है, सारे एक्टिविटीज़ तुम्हें ऐसे लगेंगे कि भैया एक कॉलेज ने उठाया, दूसरे ने कॉपी किया, तीसरे ने पेस्ट कर दिया, ऐसे लगेंगे। हर जगह एक ही एक्टिविटी चल रही है, हर और एक ही एक्टिविटी के नाम पर एक ही चीज़ है ना, एक ही चीज़, फलाना कॉलेज कर रहा है तो हम कैसे पीछे रह जाएं। कॉलेजेस में, स्कूल्स में कंपटीशन चलता रहता है, ठीक है, स्कूल्स में कंपटीशन चलता है, उसमें पिसते हैं बच्चे, बच्चों के माँ बाप, ठीक है, यही रहता है। और इतना भयंकर वाला वो बना रखा है, इवन अभी ये तो स्कूल्स का हाल है, ठीक है, धंधा बना रखा है पूरा, एजुकेशन को पूरा धंधा बना रखा है। यहाँ हेल्थ का भी कुछ कम बेड़ा गर्क नहीं है, ठीक है, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ, ठीक है, नॉर्मल सी आपको अगर मान लो वायरल फीवर या जुखाम, सर्दी जुखाम अगर है, वैसे तो मिडिल क्लास आदमी सर्दी जुखाम ऐसा नाक पहुँच के उसके बाद निकाल देता है, ठीक है, कोई वहाँ हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास नहीं जाता। हाँ, ज़्यादा ही हालत ख़राब हो जाए, जब बहुत ज़्यादा लाइक शरीर में हाइड्रेशन की कमी हो जाए, है ना, या बहुत ज़्यादा आपको लूज मोशन लग जा रहे हैं, उठा नहीं जा रहा है ना, हर 2 मिनट में बाथरूम के चक्कर लग रहे हैं, तो मजबूरी होती है इंसान की, जाना पड़ता है, ठीक। तो जब ऐसी हालत हो जाती है, अगर आप गलती से भी आपने प्राइवेट क्लिनिक या प्राइवेट अस्पताल में कदम रख लिया, तो बेटा तुम्हारे लूज मोशन बंद हो ना हो, लेकिन तुम्हारे बैंक के लूज मोशन जरूर चालू हो जाते हैं, ठीक है, अकाउंट के लूज मोशन, क्योंकि उसमें पैसा ऐसे बहता है, तुम्हारा अकाउंट से ऐसे बहता है कि बस तुम सोचते हो यार इससे तो अच्छा था शरीर से जो धार बह रही थी ना, यही बहती रहती, कोई बात नहीं, 3-4 दिन में ठीक हो जाते हैं ना, लेकिन ये अकाउंट से पैसा बहना बंद नहीं होता। इतना महंगा चार्ज करते हैं हर एक चीज़ का, जेनरिक जो दवाएं होती हैं, ठीक है, जेनरिक दवाओं को पूरी तरह से मना कर देंगे, मतलब प्राइवेट कंपनी से इनकी साठगांठ रहती है, प्राइवेट मेडिक कंपनीज जो होती हैं उनसे इनका साठगांठ रहती है, ठीक है, उनसे दवाइयाँ लेने को मजबूर करते हैं, वही दवाइयाँ जो वही प्राइवेट कंपनियाँ इतनी महंगी बेचती हैं कि उतने में यार मतलब जेनरिक दवाओं का पूरा बंडल आ जाए, सीरियसली। तो और जबकि भारत सरकार का कहना है भैया कि हाँ जेनरिक दवाएं जो होती हैं वो कम्प्लीटली इंसान के लिए बिल्कुल नॉर्मल हैं, हर एक मतलब महंगी दवा जो है उसका अल्टरनेटिव अगर आप सस्ता ढूंढने जाएंगे, जेनरिक दवाएं आपके लिए बहुत सही हैं, ठीक है, भारत सरकार ने कह रखा है। भाई यार लोगों को समझ में नहीं आता, लोगों के मन में ये रहता है कि हाँ महंगी दवा है तो ये फ़ायदा करेगी, ये सस्ती है, जेनरिक दवाएं सस्ती हैं तो वो फ़ायदा नहीं करेंगे, वही सेम सॉल्ट कंपोजिशन होता है सेम, ठीक है, कभी देख लेना, देख के अकल खोल के उसके बाद खरीदा करो सामान। सो कुछ ज़्यादा ही मतलब
हो गया, भाषण हो गया मेरा, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। बाय बाय।